आज के वक्त में कोल्ड ड्रिंक मतलब कोको कोला कुछ इस तरह के इमेज क्रिएट करके आज के कोको कोला ने मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोको कोला फॉर्चून वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी के लिस्ट में 87 नंबर पर आता है। कहते हैं कि हर दिन कोको कोला कंपनी की 90 करोड़ बोतलें पी जाती है, इसका मतलब हर पल 21,000 बोतलें हम पी जाते हैं। और यह भी कहा जाता है कि यदि दुनिया में मौजूद कोको कोला की सभी बोतलों को लाइन में लिटा दिया जाए तो यह लाइन 2000 बार धरती से चांद पर जाने और आने के बराबर होगी। आखिर कोको कोला से बनी इतनी बड़ी और क्या है कोल्ड ड्रिंक का इतिहास, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज से 136 साल पहले एटलांटा जॉर्जिया जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में स्थित है, वहाँ पर पहली बार जॉन पेम्बर्टन ने कोल्ड ड्रिंक का इन्वेंशन किया। तब वह इन्हें लोगों को गिलास में डालकर बेचा करते थे। इसके बाद उन्होंने अपनी कोल्ड ड्रिंक को फैलाने के लिए लोगों को फ्री में देने लगे। जॉन पेम्बर्टन ने इसे स्टार्टिंग में मेडिसिन के रूप में बेचा। कोल्ड ड्रिंक को पीने से हेल्थ ठीक रहता है और सिर दर्द नहीं होता, ऐसा कहकर बेचा। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। सन 1887 में जॉन पेम्बर्टन ने अपनी कोल्ड ड्रिंक को पूरे अमेरिका में फैलाना चाहते थे। इसके लिए वो एटलांटा के 4 बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप करके कोल्ड ड्रिंक को नेशनल लेवल पर ले जाने का फैसला किया। फिर जॉन पेम्बर्टन ने अपने बेटे चार्ली पेम्बर्टन के सुझाव से कोल्ड ड्रिंक का नाम कोको कोला रखा। सन 1888 में जॉन पेम्बर्टन की मौत हो गई। इसके बाद कंपनी को चार्ली पेम्बर्टन ने चलाना शुरू कर दिया। मात्र 2 साल 1890 में चार्ली पेम्बर्टन ने $500 में अपनी कंपनी और कोको कोला के फार्मूला को कैंडलर नाम के बिजनेसमैन को बेच दिया। कैंडलर एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। कोको कोला को कोको कोला बनाने में कैंडलर का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। उसी ने कोको कोला को कॉर्पोरेट में बदल दिया और बहुत बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करने लगा। सन 1919 में कोको कोला को $25 मिलियन में इग्नेस्ट वुडरफ ट्रस्ट कंपनी ने खरीदा और 500,000 शेयर में कन्वर्ट किया। उस समय एक शेयर का प्राइस $40 था। सन 1920 में पहली बार कोको कोला को बोतल में बेचने का विचार किया गया। जोसेफ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसका सुझाव दिया। फिर कोको कोला ने जॉनस्टन बोटलिंग ग्रुप के साथ मिलकर बिजनेस करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे कंपनी ने पूरी दुनिया में अपनी सॉफ्ट ड्रिंक के पहचान से आगे बढ़ने लगी। फिर कोको कोला ने अपने कई सारे ब्रांड निकाले, वो भी लोगों को पसंद आने लगे। ऐसा कहा जाता है कि कोको कोला के कोल्ड ड्रिंक बनाने के फार्मूले को सीक्रेट रखा जाता है और दुनिया में इस फार्मूले को दो ही लोग जानते हैं। इसीलिए सन 1977 में कोको कोला इंडिया से अपना सारा बिजनेस समेट कर चला गया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने 7% शेयर और कोल्ड ड्रिंक का फार्मूला बताने को कहा था। फिर सन 1992 में जब भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमिक इंटरनेशनल कंपनियों के लिए खोल दिया और फिर कोको कोला फिर से भारत में एंट्री मार दिया और कोल्ड ड्रिंक बिजनेस पर राज करना शुरू कर दिया। जुलाई 2005 में ईरान और अरब देशों ने कोको कोला को बायकॉट करना शुरू कर दिया। इनका मानना है कि कोको कोला ड्रग से बनता है और इसके बाद नॉर्थ कोरिया और क्यूबा दुनिया के मात्र ऐसा देश है जहां आज भी कोको कोला बैन है। आज के वक्त में $260 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है पूरी दुनिया में और 87,200 एम्प्लॉई इस कंपनी में काम करते हैं।